हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक गुड न्यूज देनी है और गुड न्यूज ये है कि 2 अक्टूबर को छात्रों की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे किन छात्रों की स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और बचे हुए छात्रों की स्कॉलरशिप कब तक आने की संभावना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। वहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि 2 अक्टूबर को किन छात्रों की स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। सो गाइज, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। वहां पे आपको सिंपली सर्च करना है sarkarijobfind.com। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां से भी जा सकते हैं और डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पर भी सर्च कर सकते हैं sarkarijobfind.com। जैसे ही आप इस पेज पर पहुंचेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको सिंपली यूपी स्कॉलरशिप 2021 ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग 4 से 5 लिंक्स देख सकते हैं, जहां पे आपको सिंपली ऑफिशियल वेबसाइट के आगे जो क्लिक हियर लिखा है आपको सिंपली उस पर क्लिक देना है और उसके बाद आपको यहां पे सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पे साफ साफ दे रखा है कि गांधी जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर को किन छात्रों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलने वाला है। तो यहां पे हम सिंपली नीचे आते हैं, यहां पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टाइम टेबल 12 जुलाई 2021, इसे सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा टाइम टेबल है वो डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे देखिए, आप लोग देख सकते हैं 12 जुलाई 2021 ये लेटेस्ट जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूपी स्कॉलरशिप का। तो आपको यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर, देखिए 13 नंबर का पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर रिन्यूअल के सही करेक्ट डेटा वाले छात्रों को कोषागार के ई पेमेंट के तहत PFM प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं के आधार लिंक बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित किया जाना 1 अक्टूबर 2021 तक, ठीक है। यानी कि 1 अक्टूबर तक आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सॉरी, यहाँ पे वो जो नोटिफिकेशन था वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैं भी आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए आप लोग 13 नंबर का पॉइंट आप लोग सही से पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है आपको, ये सिर्फ रिन्यूअल छात्रों के लिए है। फ्रेश कैटेगरी के छात्रों को वही जनवरी तक लाभ मिलेगा। तो आप लोग रेगुलर फॉर्म फिल करते रहिए और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि 80% व्यूवर्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं है, सिर्फ वीडियोज देख के चले जाते हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आती है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, लाइक अगर स्टेटस का ऑप्शन आ जाता है, करेक्शन पोर्टल ओपन होता है या फिर स्कॉलरशिप आना स्टार्ट होती, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो है रिन्यूअल कैटेगरी के छात्रों को जिनका फॉर्म DW द्वारा वेरीफाई हो चुका है, उनको 1 अक्टूबर तक लाभ मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने चेक कर लिया, 2 अक्टूबर को उन्हीं छात्रों की स्कॉलरशिप आएगी जिन्होंने फॉर्म फिल करके, स्टार्टिंग में ही फॉर्म फिल करके, कॉलेज से फॉर्म को वेरीफाई करा के, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फॉर्म को वेरीफाई करा लिया था, उन्हीं छात्रों की स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर तक उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने छात्रों की स्कॉलरशिप 2 अक्टूबर को आएगी। तो देखिए, हर साल गांधी जयंती पर कुछ छात्रों को स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलते हैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, तो अलीगढ़ में सभी छात्रों को नहीं मिलने का लाभ, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20, 30, 40 या 50, 100 छात्रों को ही स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यानी कि जिन्होंने टाइम पे फॉर्म फिल करके डिस्ट्रिक्ट से वेरीफाई करा लिया था और कॉलेज से भी वेरीफाई करा लिया था, उन्हीं छात्रों को गांधी जयंती पर स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा। और जो बचे हुए छात्र हैं उनको वही 26 जनवरी तक लाभ मिलेगा। तो आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दिए, अभी तक अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।